जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हड्डियों का जोड़ होता है बोन्स ज्वाइंट, वह कितने प्रकार के होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बात किया, मानव कंकाल तंत्र के बारे में बात किया। अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह पिछले लेक्चर से टोटली डिपेंड है। तो आइए हम लोग ज्वाइंट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ह्यूमन स्केलेटन में ज्वाइंट होता है, जो हड्डियों का ज्वाइंट होता है, वह तीन प्रकार का होता है। जो हड्डियों का ज्वाइंट होता है वह कितने प्रकार का होता है, वह है तीन प्रकार का होता है फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा वाला होता है कार्टिलेजनस ज्वाइंट, दूसरा वाला होता है कार्टिलेजनस ज्वाइंट, तीसरा वाला होता है साइनोवियल ज्वाइंट, तीसरा वाला होता है साइनोवियल ज्वाइंट। तो जो हड्डियों का जोड़ होता है वह तीन प्रकार का होता है। पहला होता है फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा होता है कार्टिलेजनस ज्वाइंट, तीसरा होता है साइनोवियल ज्वाइंट। तो आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो होता है फाइब्रस ज्वाइंट, इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर पाया जाता है फाइबर, मतलब जो जिससे यह जुड़ा रहेगा या ज्वाइंट, उसके अंदर पाया जाएगा फाइबर। तथा इसका एग्जाम्पल क्या होता है, नहीं मान लीजिए फाइब्रस ज्वाइंट है, फाइब्रस ज्वाइंट के अंदर फाइबर पाया गया, तो यह क्या करेगा, थोड़ा सा भी मोमेंटम करेगा तो नहीं, यह लिटिल भी मोमेंटम नहीं करेगा, मतलब यह मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम बिल्कुल भी इसमें नहीं होगा। मोमेंटम क्या होता है, मतलब जैसे कोई भी अंग है, जैसे हमारा हैंड है और कहाँ से जुड़ा है, एसिटाबुलम कैविटी से, अभी ऐसे ऐसे हम लोग इसे ऐसे नचा सकते हैं, मतलब यह हो गया मोमेंटम। और लोकोमोशन, जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक चले आए, यहाँ से यहाँ तक चले आए, मतलब हमने अपना स्थान परिवर्तित किया, तो उसे बोलते हैं लोकोमोशन। और एक ही जगह पर रह करके अपने कार्य को किया तो इसे बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम मतलब एक ही जगह पर रहकर हिलना डुलना, स्थान परिवर्तन न करना। और लोकोमोशन में स्थान परिवर्तित हो जाता है। तो जो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं इसमें फाइबर पाया जाता है, और जो यह होते हैं मोमेंटम, इनमें जरा सा भी नहीं होता, मतलब यह जरा सा भी हिलते डुलते नहीं है, केवल अपने एक स्थान पर स्थित होते हैं, जरा सा भी उसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, तो इसमें एग्जाम्पल होता है क्रेनियम बोन, इसमें एग्जाम्पल होता है क्रेनियम, हिंदी में लिख देते हैं क्रेनियम, क्रेनियम हड्डी इसका एग्जाम्पल हो गया। अब क्रेनियम बोन में कितने प्रकार के बोन पाए जाते हैं, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है क्रेनियम बोन में यहाँ पर फ्रंटल बोन होता है, यहाँ पर टेम्पररल बोन होता है, यहाँ पीछे ऑसिपिटल होता है, यहाँ पेराइटल होता है, आँखों के अंदर स्फेनॉइड, और यहाँ पर होता है इथेनॉइड। तो इसमें इतने प्रकार के हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए हड्डियाँ कहाँ है, हमारे स्कल में है, अब खोपड़ी में है, अब ऐसा तो है नहीं हमारा खोपड़ी ऐसे उच्च, मतलब ऊपर नीचे होता है, ऐसे कर दें तो खोपड़ी इतना ऐसे इधर उठ जाएगा, इतना इधर नीचे चला जाए, नहीं, ये केवल एक स्थान पर स्थित है। ऐसे ऐसे हम लोग कर सकते हैं, मोमेंटम जरा सा भी इसमें नहीं हो रहा है, मोमेंटम तो हमारे यहाँ गर्दन के हड्डी से हो रहा है ना, एटलस व एक्सिस से हो रहा है, यहाँ पर मोमेंटम नहीं हो रहा, यहाँ पर यह हमारा जो स्कल है, जो खोपड़ी है, ये एकदम सेम टू सेम मतलब स्थित है, इसमें मोमेंटम जरा सा भी नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल मोमेंटम जिसमें इसमें नहीं होता है, तो फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जाम्पल क्या हो गया, क्रेनियम बोन। अब आइए हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, कार्टिलेजनस ज्वाइंट, या इसमें क्या पाया जाता है, या किससे जुड़ा होता है, तो यह जुड़ा होता है कार्टिलेज से, यह जुड़ा होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज से जुड़ा होता है। कार्टिलेज मतलब क्या होता है, उपास्थियाँ होती हैं, कार्टिलेज मतलब उपास्थि, तो यह कार्टिलेज से जुड़ा होता है। तो कार्टिलेज मतलब इसमें थोड़ा सा मोमेंटम हो सकता है, जैसे हम लोगों का यह रीढ़ की हड्डी है, इसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, अब हम लोग इससे ऐसे उठ और खड़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं इसमें ढेर सारा मोमेंटम हो रहा है, जैसे एक हड्डी, एक वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर है, एक वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर है, एक वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर है, ऐसे ढेर सारे वर्टिब्रल कॉलम से मिलकर के रीढ़ की हड्डी बनी है हुई है। अब अगर इसे ऐसे हम लोग सिकोड़ेंगे तो यह ऐसे होगा, या ऐसे होगा, मतलब अगर हम लोग नीचे की तरफ बैठेंगे तो ऐसे होगा, मतलब एक यहाँ पर क्या है, यह इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में जो है थोड़ा सा
थोड़ा सा केवल यहाँ पर देख लीजिए, मतलब अगर पूरा देखेंगे तो इतना ज्यादा इसमें मोमेंटम हुआ है, लेकिन इसके एक हड्डी के बीच में, इसके बीच में लिटिल सा हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ है। ढेर सारे हड्डियों का हम लोग अगर इसमें घुमाव देखें तो इतना है, लेकिन इसमें एक एक हड्डी के बीच में इतना है, एक एक वर्टिब्रल कॉलम के बीच में केवल इतना लिटिल थोड़ा थोड़ा मोमेंटम हुआ है, थोड़ा थोड़ा मोमेंटम हुआ है। तो यह किससे बना होता है? कार्टिलेजनेस से बना होता है। तो जो कार्टिलेज है इसे उपास्थि बोलते हैं, मतलब कार्टिलेज है रीढ़ की हड्डी से बना हुआ, रीढ़ की हड्डी इससे बनी हुई है। तो रीढ़ की हड्डी को हम लोग ऐसे मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है मोमेंटम थोड़ा सा होता है, जो होता है मोमेंटम लिटिल सा होता है, मतलब थोड़ा सा होता है लेकिन थोड़ा सा होता है। तो इसमें जो मोमेंटम होता है वह थोड़ा सा होता है। तो इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। और गाइस, जो यहाँ का स्ट्रम है, स्ट्रम और रिब्स हैं, देखिए मतलब सांस लेने पर या ऊपर नीचे हो रहा है, सांस लेने पर ऊपर नीचे हो रहा है, या जो रिब्स हैं पसलियां है, और यहाँ पर जो स्ट्रम है इसमें सांस लेने पर ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब इसमें भी थोड़ा सा मोमेंटम हो रहा है। तो यह भी जो है कार्टिलेजनस जॉइंट के एग्जांपल में आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? रिब्स भी आ जाएगा और स्ट्रम भी आ जाएगा, रिब्स आ जाएगा एंड स्ट्रम, यह सब इसके एग्जाम्पल हैं किसमें? कार्टिलेजनस ज्वाइंट में। फिर इसके बाद आता है साइनोवियल ज्वाइंट। तो जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल ज्वाइंट में क्या पाया जाता है? साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? मतलब जब इसमें साइनोवियल फ्लूइड पाया गया, मतलब मान लीजिए जैसे कोई साइकिल का रिम है, उसके अंदर ग्रीस लगा हुआ था, उसके अंदर छर्रे हैं, अब उसको हम लोग नचाए, चाहे जितना नचाए वह उतना नाचेगा, मतलब जो उसमें जो है मोमेंटम, ढेर सारा मोमेंटम हो रहा है, पूरा मोमेंटम हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से साइनोवियल ज्वाइंट में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, तो इनमें जो मोमेंट होगा वह हाईली मोमेंट होगा। जैसे यहाँ पर एसिटाबुलम कैविटी है, इससे हमारा ह्यूमरस जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड पाया गया है, मतलब इसे देखिए हम लोग ऐसे हिला डुला सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें क्या होता है, जब साइनोवियल फ्लूइड पाया जाएगा तो इसमें जो मोमेंटम होगा वह बहुत मतलब हाईली मोमेंटम होगा, मोमेंटम जो होगा वह कैसा होगा? हाईली, मतलब इसमें जो मोमेंटम होगा वह बहुत ही ज़्यादा हाईली होगा। लेकिन गाइस, मोमेंटम करेगा मतलब केवल एक ही स्थान पर रह करके अपने कार्य को करेगा, स्थान परिवर्तित नहीं करेगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है? इसका एग्जांपल जैसे हो जाएगा सभी मतलब जितने बोन जंक्शन हैं, मतलब जो बोन जंक्शन है वह मतलब जहाँ पर हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों के पैर में पटेला हो गया, यहाँ पर हड्डी जुड़ी हुई हैं, पटेला हो गया, और यहाँ पर हो गया एसिटाबुलम कैविटी एंड ह्यूमरस, तो हो जाएगा एसिटाबुलम कैविटी एंड फीमर होगा यहाँ पर, एंड फीमर, और हो सकता है ग्लेनोइड कैविटी एंड ह्यूमरस। तो ये सब इसके एग्जांपल हो सकते हैं, पटेला हो सकता है, एसिटाबुलम कैविटी एंड फीमर हो सकता है, ग्लेनोइड कैविटी एंड ह्यूमरस हो सकता है, मतलब यह ग्लेनोइड कैविटी है, इससे हमारे हैंड का ह्यूमरस वाला पार्ट यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग ऐसे ऐसे मोमेंटम करा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एसिटाबुलम कैविटी से हमारा फीमर जुड़ा रहता है, जिससे हम लोग आसानी से उसमें मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो ज्वाइंट होता है वह इतने टाइप्स के होते हैं, पहला होता है फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा होता है कार्टिलेजनस ज्वाइंट, तीसरा होता है साइनोवियल ज्वाइंट। जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है इसमें फाइबर पाया जाता है, जरा सा भी मूवमेंट नहीं होता, इसमें लिटिल मूवमेंट होता है, इसमें हाईली मूवमेंट होता है। तो आइए अब इसमें यहाँ पर
ये तो फिक्स है, इसका एग्जाम्पल यह होगा। लेकिन अभी इसमें हड्डियों का जोड़ पाया जाता है, हड्डियों के जोड़ में यह साइनोवियल ज्वाइंट पाया जाता है, तो इसलिए इसके ढेर सारे पार्ट हैं। तो आइए अब हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यह हो गया साइनोवियल ज्वाइंट। इसके अंदर क्या पाया जाता है? साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है उसमें साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, तथा इसमें जो मोमेंटम होता है, इसमें जो मोमेंटम होता है वह हाईली मोमेंटम होता है। तो आइए अब इसके पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पहला वाला पार्ट आता है, जो साइनोवियल ज्वाइंट का पहला पार्ट वह आता है बाल एंड साकड, बाल एंड साकड ज्वाइंट, बाल एंड साक्ड ज्वाइंट। तो इसका एग्जाम्पल होता है ग्लीनॉइड कैविटी, ग्लीनॉइड कैविटी एंड ह्यूमरस, और दूसरा होता है एसिटाबुलम कैविटी एंड फीमर। मतलब यह जो बाल एंड साक ज्वाइंट है, बाल एंड साक ज्वाइंट है, इसका एग्जांपल होता है ग्लीनॉइड कैविटी एंड ह्यूमरस, एसिटाबुलम कैविटी एंड फीमर, बाल एंड साक में। फिर इसके बाद दूसरा इसमें आता है, दूसरा आता है इसमें हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट। जो हिंज ज्वाइंट होता है इसका एग्जांपल क्या होता है? नी। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। बाल एंड साक ज्वाइंट मतलब इसमें क्या होता है, एक हड्डी में दूसरी हड्डी का जुड़ाव, तो उसे बोलते हैं बाल एंड साक ज्वाइंट, इसका एग्जांपल यह होता है। फिर इसके बाद दूसरा है हिंज ज्वाइंट। तो हिंज ज्वाइंट में क्या होता है, मतलब ऐसा ज्वाइंट जहां पर मोमेंटम केवल एक ही दिशा में हो। मतलब जैसे यह हम लोगों का हाथ है ना, इसे हम लोग ऐसे मोड़ सकते हैं, ऐसे मोड़ सकते हैं, लेकिन पीछे की तरफ इसे नहीं ले जा सकते, केवल सामने की तरफ, मतलब एक ही दिशा में इसमें मोमेंटम हो सकता है, दूसरी दिशा की तरफ नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो पैर होते हैं वह आगे की तरफ ऐसे मुड़ सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं मुड़ सकते। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मतलब इसमें केवल एक ही दिशा में मोमेंटम होता है, इसमें केवल एक ही दिशा में मोमेंटम होता है, एक ही दिशा में मोमेंटम होता है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा घुटना, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नी। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा इसमें आता है पाइवट ज्वाइंट, तीसरा आता है पाइवट ज्वाइंट, या इसे बोलते हैं पलट ज्वाइंट, पलट संधि। तो जो इसमें पाइवट ज्वाइंट होता है, पलट संधि होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा यहाँ जो हमारे गर्दन का जो वर्टिब्रल कालम होता है, इसमें दो हड्डी पाया जाता है। जो फर्स्ट वर्टिब्रल कालम होता है इसे बोलते हैं एटलस, एंड सेकंड वर्टिब्रल कालम को बोलते हैं एक्सिस। तो एटलस व एक्सिस के मध्य जो ज्वाइंट होता है, तो एटलस व एक्सिस के मध्य जो ज्वाइंट होता है उसमें यह कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, पलट ज्वाइंट, मतलब पाइवट ज्वाइंट। जैसे हम लोग ऐसे पीछे की तरफ देखते हैं ऐसे, तो यहाँ पर कौन हड्डी रोकता है, एटलस व एक्सिस, तो इसलिए इसका दूसरा नाम पलट ज्वाइंट पड़ा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट वर्टिब्री होता है, मतलब जो फर्स्ट वर्टिब्रल होता है, फर्स्ट वर्टिब्रल होता है, उसका क्या नाम है, एटलस, एटलस। और जो सेकंड वर्टिब्री होता है, सेकंड वर्टिब्री या वर्टिब्रल दोनों एक ही है, सेकंड वर्टिब्रल, उसे बोलते हैं एक्सिस। तो या पाइवट ज्वाइंट या पलट ज्वाइंट क्या होता है, एक्सिस।
और एटलस, एटलस व एक्सिस एटलस व एक्सिस के मध्य पाया जाता है। तो एटलस व एक्सिस के मध्य जो ज्वाइंट पाया जाता है उसे पाइवेट ज्वाइंट बोलते हैं। अब यहाँ से जो फर्स्ट वर्टिब्री होता है और जो सेकंड वर्टिब्री होता है, फर्स्ट वर्टिब्री होता है यहाँ पर पाया जाता है जिसे एटलस बोलते हैं, सेकंड वर्टिब्री होता है जिसे एक्सिस बोलते हैं। तो एटलस व एक्सिस के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को क्या बोलते हैं, पाइवेट या पलट ज्वाइंट। इसके बाद इसमें तीसरे के बाद चौथा आता है, चौथा आता है ग्लीडल ज्वाइंट, ग्लीडल ज्वाइंट। तो यह क्या होता है, ग्लीडल या ग्लाइडल ज्वाइंट। तो इसमें क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जैसे मान लीजिए यह हम लोगों का हैंड है, मान लीजिए यह था ह्यूमरस था, यह था अल्ना, यह था रेडियस, यह था रेडियस। तो यहाँ पर जो मेटा कार्पस, जो कार्पस पाए गए थे, यहाँ पर आठ कार्पस थे, तो इन्हीं आठों कार्पस में से किसी दो कार्पस के बीच, आठों कार्पस में से किन्हीं दो कार्पस के बीच में जो ज्वाइंट पाया जाता है, आठों कार्पस हैं, आठ कार्पस में से दो कार्पस के बीच जो ज्वाइंट पाया जाता है उसे बोलते हैं ग्लाइडल ज्वाइंट। तो मतलब दो, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ग्लाइडल ज्वाइंट है तो या कार्पस कहाँ पर पाए जाएंगे, हमारे हैंड के यहाँ पर पाए जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दो कौन है, दो कार्पस हैं, तो दो कार्पस के बीच में जो ज्वाइंट पाया जाता है उसे बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो कार्पस के मध्य, इसे साफ कर देते हैं, पाए जाने वाले संधि को, पाए जाने वाले संधि को ग्लीडल ज्वाइंट या ग्लाइडल ज्वाइंट बोलते हैं, ग्लाइडल ज्वाइंट कहते हैं, ग्लाइडल ज्वाइंट कहते हैं। तो ग्लाइडल ज्वाइंट क्या होता है, हमारे हाथ के जो कार्पस होते हैं, कार्पस में दो कार्पस के बीच वाले ज्वाइंट को ग्लाइडल ज्वाइंट बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसमें पांचवा है, वह क्या है, सैडल ज्वाइंट। पांचवा क्या होता है, सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट। तो जो सैडल ज्वाइंट होता है वह क्या होता है, सैडल ज्वाइंट क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए हम लोगों का अंगूठा है, तो अंगूठा का या कार्पस है या मेटा कार्पस है, तो अंगूठे के कार्पस यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जैसे यह अंगूठा का यहाँ पर ऐसे कार्पस हो गया और यहाँ पर होता है मेटा कार्पस। तो अंगूठे के कार्पस व मेटा कार्पस के मध्य में जो संधि पाया जाता है उसे बोलते हैं सैडल ज्वाइंट। अंगूठे के कार्पस व मेटा कार्पस के बीच वाले संधि को क्या बोलते हैं, सैडल ज्वाइंट। तो अंगूठा के कार्पस व मेटा कार्पस, कार्पस व मेटा कार्पस के मध्य वाले संधि को, सैडल ज्वाइंट बोलते हैं। सैडल ज्वाइंट कहते हैं। तो यह हो गया जो साइनोवियल ज्वाइंट के इतने पार्ट होते हैं, पहला होता है बाल एंड साग ज्वाइंट, दूसरा होता है हिंज ज्वाइंट, तीसरा होता है पाइवेट या पलट ज्वाइंट, चौथा होता है ग्लाइडल ज्वाइंट, पांचवा होता है सैडल ज्वाइंट। तो आप सब इन सब के बारे में जान लिए। तो अब आइए हम लोग ज्वाइंट के बारे में जान लिए, तो आइए अब हड्डियों के डिजीज के बारे में भी इसी में जान लेते हैं। हमने ज्वाइंट के बारे में जाना, अब हड्डियों में डिजीज क्या होते हैं आइए उसके बारे में जानते हैं।
तो जो हड्डियों के बीच ज्वाइंट होता है उसके बारे में हमने जाना, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा होता है कार्टिलेजनस ज्वाइंट, तीसरा होता है साइनोवियल ज्वाइंट। अब आइए हम लोग इसके बारे में जानेंगे, जो हड्डियों में डिसऑर्डर होता है, मतलब जो हड्डियों में कमियां आती हैं, विकार आते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है चलने में। कुछ लोग तो होते हैं मतलब इतना ज़्यादा उनका जो बोन होता है, हड्डी होती है, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, मतलब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल नहीं सकते। तो आइए हम लोग हड्डियों के डिजीज के बारे में जानते हैं। तो जो हड्डियों का डिजीज होता है, डिसऑर्डर ऑफ बोन, डिसऑर्डर ऑफ बोन्स, जो डिसऑर्डर ऑफ बोन्स होता है वह तीन प्रकार का होता है। जो डिसऑर्डर ऑफ बोन्स होता है वह तीन प्रकार का होता है। एक होता है आर्थराइटिस, एक होता है आर्थराइटिस, दूसरा होता है ओइटोपोरोसिस, ओइटोपोरोसिस, और तीसरा होता है गाउट। तो जो डिसऑर्डर होता है हड्डियों में, पहला होता है आर्थराइटिस, दूसरा होता है ओइटोपोरोसिस, तीसरा होता है गाउट। तो आइए बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं। जो आर्थराइटिस होता है इसमें क्या होता है, मतलब जो हड्डियों का जोड़ होता है, हड्डियों का जोड़, हड्डियों का जो जोड़ होता है वहां पर सूजन आ जाता है। हड्डियों के जोड़ में जो होता है वह सूजन आ जाता है, सूजन आ जाता है, तो उसे बोलते हैं आर्थराइटिस। मान लीजिए आर्थराइटिस थोड़ा सा ज्यादा उतना मतलब है खतरनाक या उतना लाइफ टाइम वाला बीमारी नहीं है, मतलब उतना परमानेंट वाला डिजीज नहीं है, अगर इसका सही टाइम पर उपचार किया जाए तो इसका उपचार हो सकता है। लेकिन जो दूसरा वाला है ओइटोपोरोसिस, इसमें हड्डियों का क्षरण प्रारंभ हो जाता है, मतलब अपने आप हड्डियां कमजोर होकर के धीरे धीरे गड्ढा उसमें होने लगता है, तो इसमें हड्डियों का क्षरण प्रारंभ हो जाता है, हड्डियों का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। मतलब जो इसमें होता है हड्डियां ना, जैसे कोई भी हड्डी है उसमें अपने आप ऐसे अचानक ही एंड्रोजन हार्मोन्स की कमी के कारण, या जो होता है इसमें हड्डियां अपने आप ही ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई हड्डी है इस टाइप से हड्डी है, तो अपने आप अचानक से इससे ऐसे ऐसे छोटे छोटे गड्ढे होने लगेंगे, छोटे छोटे गड्ढे होने लगेंगे ऑटोमेटिकली अपने आप, और यह ऐसा डिसऑर्डर है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब यह एक बार हो गया व्यक्ति को तो वह व्यक्ति चल नहीं सकता, 100% श्योर है कि इस डिसऑर्डर में किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से चल नहीं सकता। तो इसमें दूसरा क्या होता है, इसमें एंड्रोजन हार्मोन्स का कमी हो जाता है। जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, एंड्रोजन हार्मोन्स का कमी की वजह से यह डिसऑर्डर होता है। और तीसरा, यह डिसऑर्डर अधिकांश महिलाओं में पाया जाता है, यह डिसऑर्डर अधिकांश महिलाओं में पाया जाता है, अधिकांश महिलाओं में पाया जाता है, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वह महिलाओं में ही होता है, पुरुष में तो टेस्टोस्टेरॉन होता है, तो एंड्रोजन हार्मोन की कमी के कारण जो होता है इसमें हड्डियों का क्षरण प्रारंभ हो जाता है ऑटोमेटिकली, और इसमें अगर यह डिसऑर्डर एक बार किसी को हो गया तो वह ठीक नहीं हो सकता। फिर इसके बाद तीसरा है गाउट, तो यह है जो है आर्थराइटिस, यह आर्थराइटिस डिसऑर्डर ही है, यह आर्थराइटिस डिसऑर्डर ही है, लेकिन इसमें जो होता है आर्थराइटिस डिसऑर्डर में जो हड्डियों में सूजन होता है, तो उन्हें हड्डियों के सूजन में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं,
तो जो बोन्स में सूजन होता है वहां पर सूजन पे क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। यूरिक क्रिस्टल के एसिड यहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो गाउट क्या है, गाउट वह डिजीज है जिसमें आर्थराइया आर्थराइटिस वाला ही डिजीज है। बस इसमें क्या होता है, हड्डियों के सूजन में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और जो आर्थराइटिस होता है इसमें हड्डियों में सूजन आ जाता है। तो मान लीजिए यह नॉर्मल डिसऑर्डर है, लेकिन ये दोनों क्रिटिकल डिसऑर्डर है, मतलब अगर एक बार हो जाएंगे तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।